आज हमारे पास में एक गाड़ी है होंडा का यूनिकॉर्न, और इसमें हम लोग क्या फिट किए हैं, रिमोट। रिमोट बोले तो रिमोट कंट्रोल से अभी स्टार्ट होगा, लॉक होगा, बंद होगा, और कहीं पार्किंग में खड़ा रहेगा तो ये रिमोट दबाएंगे तो सायरन आएगा गाड़ी में, और उसके बाद में इंडिकेटर भी ऑन होगा। जैसे मैं अभी ये रिमोट से गाड़ी के पास कोई भी नहीं, गाड़ी न्यूट्रल रहेगा तो ही स्टार्ट होगा, और गियर में रहेगा तो नहीं होगा। अभी गाड़ी न्यूट्रल खड़ा करके मैं रखा हूँ और गाड़ी मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे रिमोट कंट्रोल है, यहाँ से रिमोट से स्टार्ट करूँगा और यहाँ से गाड़ी हो गया स्टार्ट, और यहाँ से फिर बंद कर दूँगा मैं। यहाँ से बंद हो गया, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, ये लॉक हो गया, यहाँ से अनलॉक। और कहीं पार्किंग में खड़ा रहेगा गाड़ी, और पार्किंग में खड़ा रहेगा तो हम लोग यहाँ पर 100-150 गाड़ी रहता है तो पता नहीं रहता है कई बार कहाँ गाड़ी खड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर, खाली हमारा क्या करना है, रिमोट का सायरन दबाना है। सायरन दबाएंगे और उसके बाद में सायरन दबाए तो गाड़ी अपने आप आवाज़ करने लगेगा और इंडिकेटर चालू हो जाएगा। यहाँ पर 4 इंडिकेटर चालू हो जाएगा, उसके बाद में सायरन करेगा गाड़ी। जैसे कि अभी यहाँ पर लॉक भी कर देता हूँ मैं, लॉक कर दिया, और कोई भी गाड़ी के पास में आएगा इसको हिलाएगा थोड़ा भी, जैसे कि दिखा दूँ, हिलाएगा तो साउंड आने लगेगा कोई भी, और चाहे लॉक होने के बाद कोई दूसरा चाबी लगाएगा तो भी साउंड आएगा। तो अभी अनलॉक कर सकता हूँ यहाँ से मैं, और इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टार्ट हो गया, और फिर इसको बंद कर सकता हूँ यहाँ से मैं, बंद हो गया। तो आप कोई भी सेल्फ वाला गाड़ी में भी ये फिट कर सकते हैं, कोई भी आपका गाड़ी है जिसमें सेल्फ लगा हुआ है, बैटरी चार्ज रहता है उसका, उसमें फिट कर सकते हैं आप लोग भी।